वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. सो लेट्स क्विकली डू एक्सरसाइज. रब योर हैंड्स, रब योर हैंड्स, सेवंथ बी, रब योर हैंड्स, सेवंथ बी, सेवंथ बी. एम आई ऑडिबल टू यू? सेवंथ बी, एम आई ऑडिबल टू यू? यस, सेवंथ बी, सेवंथ बी, एम आई ऑडिबल टू यू? सेवंथ बी, एम आई ऑडिबल? सो बेटा, व्हाई आर नॉट रिस्पॉन्डिंग? शैल आई राइट ईच एंड एवरी वर्ड ऑन द ब्लैक बोर्ड सो दैट यू कैन आंसर? सो यस एवरीवन, सेवंथ सी, सेवंथ ए एंड सेवंथ बी. नाउ रब योर हैंड फास्ट, रब योर हैंड्स. सेवंथ बी, सेवंथ बी, यू कैन लिसन मी ना. Rub your hands fast. Otherwise, I'm going to take a screenshot and share with your principal. Seventh B, again, you are not doing better. First bench boys, I can see middle row. Middle row, seventh B. Middle row, seventh B. First bench, second bench, third bench boys. Beta, class se bahar nikal jao. Class se bahar niklo. If you are not, responding. Teacher, ma'am, are you there? Please turn on the mic from the Zoom. Seventh B, ma'am, are you there? बेटा सेवंथ बी में मैम नहीं है कोई? ओके, सो यस, नाउ स्टॉप एवरीवन, बाकी सब स्टॉप कर दो. नाउ टेक अ डीप ब्रीथ क्विकली, टेक अ डीप ब्रीथ. इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, एंड लास्टली इनहेल एंड एक्सहेल. सो नाउ यू आर रेडी फॉर योर सेशन. सो व्हाट वी लर्न इन द लास्ट सेशन, हु विल टेल, रेज योर हैंड. व्हाट वी लर्न इन द लास्ट सेशन, लास्ट सेशन में क्या पढ़ा था हमने? लाइट चैप्टर पढ़ा था जो आपके बोर्ड पे भी दिख रहा है. तो हमने क्या पढ़ा था बेटा? यस बेटा, ओके, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट वे. यस, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. यस, दैट्स गुड. एंड सेवन भी, आपका बेटा जूम से माइक ऑफ है, जूम से माइक ऑफ है आपका. आपका जो माइक है वो जूम से ऑफ है, नॉट फ्रॉम द डिवाइस. ठीक है, सो नाउ लेट्स प्रोसीड विद दैट. ठीक है, उसी को आगे बेटा कॉन्टिन्यू करते हैं देन, जहां से हमने छोड़ा है. सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. लेट मी करेक्ट द ब्राइटनेस और एडजस्ट फॉर यू. सॉरी, कैन यू सी दिस? इज इट विजिबल? ओके, लेट्स फाइन. सो हियर यू कैन सी प्लेन मिरर. नाउ फ्रॉम द सेवंथ ए, ज्योति का इज देयर? सेवंथ ए, ज्योति का? यस ज्योति का. कैन यू टेल मी द नेम ऑफ दिस रे that is falling on the mirror? Incident, that's good. This is incident. ठीक है, now from the same class I am calling Arshdeep Singh. Arshdeep Singh is there? Yes. Yes beta, can you tell me the name of this ray that is bouncing back after
हिटिंग द सरफेस, रिफ्लेक्टेड लाइट, दैट्स गुड, सिट डाउन बेटा, यस इट्स अ रिफ्लेक्टेड लाइट, सो दैट इज व्हाट वी लर्नड इन द लास्ट क्लास, है ना, हमने पहले ये पढ़ा था, देन वी डिड दिस, हमने इसमें क्या पढ़ा था, जो इंसिडेंट लाइट आ रही है दैट इज फॉलिंग ऑन अ प्लेन प्लेन मिरर इज रिफ्लेक्टिंग बैक, दैट इज बाउंसिंग बैक, हमने बाउंसिंग बैक का एक कॉन्सेप्ट किया था लास्ट टाइम, सो लाइक इफ दिस इज अ बॉल, ओके अगर मैं इसको ग्राउंड में फेंकती हूँ सो इट विल बाउंस राइट, इट विल कम बैक, ओके इट इज कमिंग बैक, सो दैट इज रिफ्लेक्शन और वी कैन से बाउंसिंग बैक, ठीक है, सो दैट इज व्हाट, अब यहाँ पर ये नॉर्मल होती है एक लाइन जो कि मिरर के परपेंडिकुलर होती है, हु कैन टेल मी व्हाट इज द एंगल ऑफ परपेंडिकुलर, कौन सा एंगल बनाता है, हमने मैथ्स में पढ़ा हुआ है, हु विल टेल मी, यस हु विल टेल मी, ओके सेवंथ बी ए से मुझे बहुत हैंड दिख रहे हैं, व्हाट अबाउट सेवंथ बी, बेटा आपने पढ़ गया है मैथ्स में सेवंथ बी, एम आई ऑडिबल टू सेवंथ बी, रेज योर हैंड, एम आई ऑडिबल, क्या मुझे सुन पा रहे हो सेवंथ बी, हाँ ये सेवंथ बी, एम आई ऑडिबल टू यू, ओके एंड फ्रॉम सेवंथ सी, ओके फ्रॉम सेवंथ सी आई वॉन्ट टू कॉल नितिका, नितिका इज देयर सेवंथ सी, ये सेवंथ सी, नितिका इज देयर, ये सेवंथ सी, आपकी वीडियो वैसे नहीं दिख रही, आप बोलोगे तभी मुझे पता चलेगा बेटा, सेवंथ सी, यस ये सेवन सी, बेटा आप मुझे ये बताओ, ये जो नॉर्मल है प्लेन मिरर के साथ जो यहाँ पर है, ठीक है, परपेंडिकुलर है, तो ये कौन सा एंगल बना रही है, आपने मैथ्स में पढ़ा हुआ है कि कोई, मैम यस 90 डिग्री कोई भी जो है अगर लाइन सीधी जाती है सो दैट इज मेकिंग परपेंड, और वी कैन से परपेंडिकुलर लाइन एंड दैट इज मेकिंग 90 डिग्री, सो दैट्स गुड, नितिका सिट डाउन, इट्स 90 डिग्री, तो प्लेन मिरर बेटा सब नोट डाउन कर लो, एवरीवन नोट डाउन, द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड द एंगल बिटवीन नॉर्मल, एवरीवन नोट डाउन दिस, द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड प्लेन ऑफ मिरर, प्लेन और सरफेस ऑफ मिरर, सरफेस ऑफ मिरर इज ऑलवेज 90 डिग्री, द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड सरफेस ऑफ मिरर, सरफेस ऑफ मिरर इज ऑलवेज 90 डिग्री, इज ऑलवेज 90 डिग्री, इसका मतलब ये जो एंगल है नॉर्मल और प्लेन का हमेशा 90 डिग्री होगा, ऑलवेज 90 डिग्री, ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम करते हैं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि हमने ये किया क्यों, व्हाई वी आर डूइंग दिस, नाउ व्हाट आई सेड, दिस इज अ प्लेन मिरर, बेटा जब भी आपने प्लेन मिरर बनाना है तो उसके नीचे वाली साइड जो है एक साइड आपने ऐसे दिखाना है, इट बेसिकली टेल अस इट्स नॉट अ ग्लास, ये चीज बताने से हमें पता चलता है हम ग्लास की बात नहीं कर रहे, हम मिरर की बात कर रहे हैं, बिकॉज इट टेल अस इट ए पॉलिश सरफेस, हमने ये करा था ना पॉलिश सरफेस, अगर हमने ग्लास से मिरर बनाना है तो हमने एक साइड क्या कर देना, उसके पॉलिश कर देनी है मेटल्स की, तो पॉलिश्ड है, नाउ दिस इज अ नॉर्मल, इट्स अ नॉर्मल, ओके इट्स अ नॉर्मल लाइन, एंड नाउ वी आर सेइंग दैट एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड प्लेन इज दिस एंगल इज 90 डिग्री, इट्स अ 90 डिग्री, ठीक है, अब इसका फायदा क्या होगा हमें पता करने का, अब जो हमने पता किया कि इनके बीच में ये 90 डिग्री है दोनों साइड, चाहे इस साइड ले लो या उस साइड ले लो 90 डिग्री, अब इसका फायदा क्या होगा, अगर हमें पता चलता है इंसिडेंट लाइट आ रही है इट इज फॉलिंग लाइक दिस, ठीक है, हियर
ओके, एंड रिफ्लेक्टेड राइट यहां से ऐसे जा रही है, ठीक है। हमने एंगल ऑफ ग्लैंस पढ़ा था, वो क्या होता है, ये वाला एंगल जो नीचे वाला है, ठीक है, ये वाला जो है इंसिडेंटल लाइट और प्लेन के बीच में। अगर हमें ये एंगल पता है कि ये 30 डिग्री है, तो क्या हम एंगल ऑफ आई निकाल सकते हैं, यस और नो? एंगल ऑफ आई, कैन वी फाइंड आउट द एंगल ऑफ आई? नाउ यू कैन सी इट मोर क्लियरली, आई हैव जूम्ड इट, मैंने इसको बड़ा कर दिया, यू कैन इजली सी, यस। हाउ, हु कैन टेल मी द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ आई इफ वी हैव वैल्यू ऑफ यू नो एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे और नॉर्मल, सॉरी इंसिडेंट रे एंड प्लेन मिरर, सो इट्स 30 डिग्री, कैन वी फाइंड आउट एंगल आई? यस, सेवंथ बी, बेटा सेवंथ बी से मुझे अभी तक एक भी आंसर नहीं आया। सेवंथ ए, सेवंथ सी, बोथ आर रिस्पॉन्डिंग वेरी वेल, बट अबाउट सेवंथ बी? ये सेवंथ बी में से, नाउ आई एम गोइंग टू कॉल जपनीत कौर, सेवंथ बी जपनीत कौर, आ जाओ बेटा। यस बेटा, इफ वी हैव दिस वैल्यू एंड वी नो अबाउट दिस इज परपेंडिकुलर, कैन वी फाइंड आउट एंगल ऑफ आई? बेटा आप आंसर दे रहे हो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा कुछ भी, आई एम नॉट एबल टू हेयर यू। ओके, फर्स्ट थिंग, तो डू नॉट यू नो होल्ड माइक, आई एम ऑल्सो यूजिंग सेम माइक हेयर, इफ आई होल्ड इट, ओके, उसकी वायर हिल जाएगी, यू आर नॉट एबल टू हेयर मी। ये अपने आप कैप्चर कर लेता है वॉइस, कीप इट ऑन डेस्क ओनली, यू डोंट नीड टू होल्ड इट अगेन एंड अगेन, ठीक है। इसको पकड़ने की जरूरत नहीं है मुंह के आगे, इसको सिंपल डेस्क पे रखे रखो, जब आपने बोलना है सिर्फ उसको ऑन कर दो, ठीक है। सो इसको डेस्क पे रख के आराम से बोलो बेटा, मुझे सुनाई नहीं दिया आपने अगर बोला है पहले। नो, योर माइक इज नॉट वर्किंग, इट्स नॉट वर्किंग, ओके, सिट डाउन बेटा। ओके, सेवन थे में से कौन बताएगा? ओके, मैनी हैंड्स आर रेज, सो आई विल कॉल प्रगुन, इज देयर? यस सिक्सटी यस प्रगुन, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस? 60 डिग्री 60 डिग्री, यस, दैट्स गुड। सो कैसे आया 60 डिग्री? बेटा देखो, ये एंगल जी था हमारे पास, वी नो एंगल जी प्लस एंगल आई, ये एंगल जी और आई ये क्या बना रहे हैं, नॉर्मल, और ये जो हमारा प्लेन है उसके बीच का पूरा एंगल जो कि हमें ऑलरेडी पता है वो क्या है, 90 डिग्री, सो इट्स 90 डिग्री। इफ वी नो द वैल्यू ऑफ जी दैट इज 30 एंड वी हैव टू फाइंड एंगल आई, ओके, तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट व्हाट, 90 में से 30 गया, व्हाट वी गेट एंगल आई वैल्यू दैट इज 60 डिग्री, सो दैट इज हाउ वी कैन गेट इट। अब आपके पास अगर एंगल आई आ चुका है दैट इज 60 डिग्री, कैन यू टेल मी द वैल्यू ऑफ एंगल आर? एंगल आर क्या है, पहले तो ये बताओ एंगल आर को क्या कहते हैं, वेयर इज एंगल आर? दिस इज नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल है दैट इज एंगल आर, ठीक है, दैट इज एंगल आर। कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी वट इज द वैल्यू ऑफ एंगल आर इफ एंगल आई इज 60 डिग्री? नो, सो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में बेटा हमने क्या पढ़ा है, एंगल ऑफ आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ आर और वाइस वर्सा, अगर एंगल आर की वैल्यू पता है तो वो एंगल आई की भी सेम होगी। अब हमें एंगल आई की पता है 60 डिग्री है, तो एंगल आर भी 60 डिग्री होगा, क्लियर क्लियर? अगर हमने टेस्ट पेपर बनाया है तीनों क्लास के लिए, सेवंथ ए, सेवंथ बी, सेवंथ सी, अगर सेवंथ ए का हमने मैक्सिमम मार्क्स 80 मार्क्स रखे हैं, तो हमें सेवंथ बी और सेवंथ सी के लिए अलग अलग बताने की जरूरत नहीं है, हम क्या कहेंगे, सेवंथ ए मैक्सिमम मार्क्स इज इक्वल टू सेवंथ बी मैक्सिमम मार्क्स और सेवंथ सी मैक्सिमम मार्क्स,
तीनों के इक्वल ही होंगे, वैसे ही सेवंथ, वैसे ही इंसिडेंट ये जो है एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है? तो हमें इजिली ये फाइंड आउट होना चाहिए, क्लियर है सबको? Yes. ओके, सो नाउ लेट्स मूव अहेड। सो अब हमारे पास ये पहला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? लेट्स अटेम्प्ट दिस फर्स्ट क्वेश्चन। ये प्लेन मिरर है, ये इंसिडेंट लाइट है, ओके? वी हैव दिस इंसिडेंट लाइट हियर, देन रिफ्लेक्टेड लाइट, दिस इज इंसिडेंट लाइट, दिस इज रिफ्लेक्टेड लाइट। यू हैव टू टेल मी दिस बी इज कॉल्ड व्हाट? अभी हमने पढ़ा है, इस बी को हम क्या कहते हैं? व्हाट डू वी कॉल दिस बी? फ्रॉम ए सेक्शन खुशप्रीत इज देयर, खुशप्रीत सिंह, आ जाओ बेटा। व्हाट डू वी कॉल बी? बी क्या है? आई, आई कैसे होगा बेटा? कौन सी लाइट है यहाँ, लाइट कौन सी है ये? आर, दैट्स गुड, सिट डाउन। सो दिस इज एंगल आर, दैट मीन्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है? कमिंग टू सेकेंड क्वेश्चन, सेवंथ बी। अच्छा, सेवंथ बी का माइक चल पड़ा है बेटा, ट्राई करना बोलने का। नहीं, आवाज नहीं आ रही बेटा। ओके, फिर सेवन सी में आ जाते हैं। सेवन सी से तानिया, सेवन सी तानिया, बेटा ये कौन सा एंगल है? ये इंसिडेंट लाइट है, ये रिफ्लेक्टेड लाइट है, एंड वी आर आस्किंग अबाउट दिस एंगल, एंगल एंगल ऑफ आई, एंड व्हाट डू वी कॉल इट? एंगल ऑफ इंसिडेंट, दैट्स गुड, सिट डाउन बेटा। नाउ सेवंथ ए प्लेन मिरर है बेटा हमारे पास, ठीक है? ये हमें अभी हमने क्वेश्चन किया है, इफ यू नोटिस वी हैव ऑलरेडी डिड दिस क्वेश्चन, सो इसको हम फिर से बोर्ड पे चलते हैं। लेट्स गो बैक टू द बोर्ड। इंसिडेंट। सो हियर इट इज गिवन, दिस इज द प्लेन मिरर, ठीक है? ये प्लेन मिरर है, ये नॉर्मल लाइट है, ठीक है? ये हमारा इंसिडेंट, ये हमारी रिफ्लेक्टेड, ठीक है? ये दिया था। अब इसमें जो दिया था वो क्या दिया था? ये हमने किया था, ये परपेंडिकुलर होता है हमेशा। अब इसमें जो वैल्यू दे रखी है दैट इज ऑफ दिस एंगल, इस एंगल की वैल्यू दे रखी थी दैट इज 60 डिग्री, एंड क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस की आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दैट इज बीइंग आस्क्ड हियर, ठीक है? नाउ ये क्वेश्चन हम अभी थोड़ी देर पहले ही करके हटे हैं, तो नाउ आई एम गोइंग टू आस्क सेवन सी से बलजोत सिंह, सेवन सी बलजोत सिंह। हमने जस्ट अभी बेटा एक क्वेश्चन किया था, एंगल ऑफ आई, या फिर हम पूछे ये जो ए है उसका क्या वैल्यू होगा? क्या वैल्यू होगी बेटा, पता है? अच्छा, पहले ये बताओ इस लाइन को क्या कहते हैं, मिडल वाली, ये जो सीधी लाइन जा रही है बेटा, इसको क्या कहते हैं? यस बलजोत, पता है आपको बेटा? ये जो सीधी लाइन जा रही है प्लेन मिरर से, हमने सीधी खड़ी कर दी है, जैसे ये प्लेन मिरर है, इसके सीधी एकदम लाइन है, इसको क्या कहते हैं? एक और मैं आपको दिखाती हूँ, आई शो यू वन मोर टाइम हियर, कैन यू सी दिस मिरर? यस एवरीवन, इज इट विजिबल टू एवरीवन? नाउ बेटा ये हमारे पास प्लेन मिरर है, यू कैन सी दैट, ये प्लेन, और ये बीच में जो लाइन है, इस सीधी जो जा रही है, इसको क्या कहते हैं? मॉर्निंग यस मैम, इट्स ऑडिबल नाउ, सेवन बी इज ऑडिबल, यस। तो इस लाइन को हम क्या कहते हैं, ब्लैक लाइन जो यहाँ पर है, व्हाट डू वी कॉल दिस ब्लैक लाइन जो सीधी मिरर से जा रही है? इट इज नॉर्मल, इट इज नॉर्मल,
अब जो लाइन जो आ रही है लाइट, अगर आप देखोगे लाइट जो आ रही है यहाँ पर नीचे गिर रही है शीशे पे, इंसिडेंट लाइट जो वापस जा रही है, बाउंस बैक हो रही है, यू कैन सी हेयर, दैट इज रिफ्लेक्टेड लाइट, दिस इज रिफ्लेक्टेड लाइट। ओके, हेयर यू कैन सी मोर क्लियरली कि ये शीशे से टकरा के लाइट कैसे जा रही है। अब बेटा यही क्वेश्चन है आपके पास जो मैंने अभी पूछा है, दिस इज अ क्वेश्चन आई हैव आस्ड यू, इसका मतलब बेटा आपने क्लास में ध्यान नहीं लगाया। इट मीन्स दैट बलजोत आपको मतलब पिछला सेशन का ही याद नहीं है, पिछले सेशन में प्रेजेंट थे नहीं प्रेजेंट थे? तो बेटा आज का सेशन ध्यान से सुनो, मैंने पहले पिछले से ही स्टार्ट किया है, ठीक है? सिट डाउन। चलो फिर 7B का माइक ऑन हो चुका है, तो आ जाओ देवांश वशिष्ठ। यस देवांश, यू टेल मी द वैल्यू ऑफ दिस ए, दैट इज एंगल ऑफ आई। मैम 30 यस इट्स थर्ड, बिकॉज एंगल ऑफ जी इज 60 और वी नो दैट दिस होल इज 90, सो 60 प्लस एंगल आई इक्वल टू 90, देन एंगल आई इज इक्वल टू 90 माइनस 60, दैट मीन्स इट्स 30। ओके सो दैट्स फाइन, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन नाउ, इज इट क्लियर सबको? यस ठीक है, सो दैट इज हाउ यू कैन फाइंड द वैल्यूज। ओके सो नाउ नेक्स्ट मूव। अब ये क्या हो रहा है बेटा, हु कैन टेल मी व्हाट इज हैपनिंग हियर? कैन यू सी हियर ऑन द स्क्रीन यस व्हाट इज हैपनिंग हियर? यहां पर क्या हो गया, कुछ हुआ है? समथिंग हैपन हियर? यस 7B फर्स्ट बेंच बेटा बोलो। रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन तो हुई है लेकिन कुछ अलग दिख रहा है, कुछ इन्वर्टेड इन्वर्टेड? कैसे इन्वर्टेड है? हाँ मैम इन द शर्ट देयर इज रिटन फिजिक्स एंड इट इज इन्वर्टेड इन मिरर इमेज. दैट्स राइट दैट्स राइट। चलो इसको हम थोड़ा सा कर भी लेते हैं, ठीक है? वी कैन सी दिस आल्सो हियर, कैन यू सी दिस? क्या यस लिखा है एमआरआई सबको पता है ना, एमआरआई सबको पता है। सो लेट्स फाइंड कि अगर हम इसे मिरर में देखें, ठीक है, इस मिरर में अगर हम इसे देखेंगे, क्या आपको लगता है सेम स्पेलिंग या सेम टेक्स्ट नजर आएंगे? नो कैसे लिखेंगे हम इसे, मैं आपको ये दिखाऊंगी भी, पहले मैं समझाती हूँ, देन आई विल शो यू। अब आ जाओ लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ मिरर, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर। एवरीवन राइट डाउन प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर। प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर। अब हमारे पास बेटा ये मिरर है, वी हैव दिस मिरर, ठीक है? अब इस मिरर के इस साइड कोई पर्सन खड़ा है, सबसे पहली बात उसके एक इमेज बनेगी शीशे के पीछे, इस मिरर के बैक साइड पे यू कैन सी द इमेज ऑफ दैट पर्सन। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन दिस ऑब्जेक्ट, नाउ वी कंसीडर दिस एज एन ऑब्जेक्ट एंड दिस इज एन इमेज, इट्स एन इमेज, ठीक है? द डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज विद मिरर। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज राइट डाउन डिस्टेंस बिटवीन इमेज फॉर्म्ड
इज इक्वल टू मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड मिरर. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दिस ऑफ प्लेन मिरर. प्लेन मिरर की सबसे पहली प्रॉपर्टी ये आती है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से और इमेज का डिस्टेंस मिरर से ऑलवेज इक्वल. ठीक है, इफ इट इज 2.5 सेंटीमीटर सो इट विल ऑल्सो 2.5 सेंटीमीटर, चाहे आप आगे आओ या पीछे आओ. ठीक है, डिस्टेंस जितना ये पीछे जाएगा वो पीछे जाएगा, जितना ये आगे आएगा मिरर के ये भी उतना आगे आएगा. ओके, इट इज ऑलवेज इक्वल. एंड ट्राई टू मेक इट लाइक दिस, ऐसे इमेज बना बना के करो ताकि आपको याद हो जाए, आपको रट्टा ना लगाना पड़े. ठीक है, अगर आप इमेज बना लोगे यू कैन राइट योर सेल्फ, यू कैन मेक द सेंटेंस. ठीक है, यू डोंट हैव टू क्रैम इट. नाउ कमिंग टू सेकेंड पॉइंट, नाउ द साइज, इफ इट साइज, वी आर टॉकिंग अबाउट द साइज ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट. इन प्लेन मिरर इट इज ऑलवेज इक्वल. अगर इसकी हाइट 5 फीट है सो द इमेज साइज इज ऑल्सो ऑफ सेम साइज. सो कमिंग टू सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट ऑफ साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. साइज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर ये 5 फीट है तो वो भी 5 फीट होगा. अब लास्ट आ जाते हैं वो प्रॉपर्टी जो हम अभी पढ़ रहे थे. पहले आप इसको लिखो फिर बताती हूँ वो वाली. मैं 10 से अब आ जाते हैं लास्ट प्रॉपर्टी. अच्छा, एम्बुलेंस किस किसने देखी है, रेज योर हैंड. एम्बुलेंस किस किसने देखी है, सभी ने देखी होगी है ना. अब आपको लगता है जो एम्बुलेंस में एम्बुलेंस की स्पेलिंग है उन्होंने ऐसे उल्टी करके लिखी होती है, वाई सो? उन्होंने एम्बुलेंस की स्पेलिंग कैसे लिखी होती है, सीधी लिखी होती है, कैसे लिखी होती है, उल्टी लिखी होती है, क्या उन्हें स्पेलिंग नहीं आती? व्हाट डू यू थिंक, दे डोंट हाँ नो हाउ टू स्पेल एम्बुलेंस? एम्बुलेंस ऐसे तो नहीं लिखा होता ना बेटा एम्बुलेंस में, मैम, ऐसे तो नहीं लिखा दिखता हमें, उल्टा दिखता है, उल्टा लिखा होता है. वाई सो, व्हाट इज द रीजन? ये 7th है, आई कैन सी सेकंड बेंच बॉय. आ जाओ वहीं से बोल दो, सुनाई दे जाएगा. स्पीक फ्रॉम देयर. दैट फ्रॉम द कार्स एंड बाइक्स मिरर इट कैन विजिबल करेक्टली. ओके, सो लेट्स सी देयर हियर. हमने थोड़ी देर पहले एमआरआई देखा था. यस, आप ही का स्कूल का नाम है एमआरआई, है ना, यहाँ पर एमआरआई लिखा, सबको दिख रहा है, एवरीवन कैन सी दिस. चलो अब ये मेरे पास मिरर है, सेम चीज मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ. सेम है, इज इट सेम, इज इट सेम, इज इट सेम और नो? व्हाट हैपन्ड? The spelling is inverted. हाउ इट इज इन्वर्टेड? अपसाइड डाउन हुआ है, लेफ्ट साइड हुआ है, लेफ्ट राइट हुआ है, क्या हुआ है? सो हियर यू कैन सी जो हमारे वर्ड्स हैं या फिर जो हमारा ऑब्जेक्ट है इन मिरर वो क्या हो जाता है, लेफ्ट राइट इन्वर्जन हो जाती है.
जो अगर यहाँ पर इसका ये राइट हैंड है, अगर इवन हम भी अगर अपना राइट हैंड उठाएं तो शीशे में हमें इसी साइड वाला जो है हाथ उठा हुआ दिखता है, जबकि दैट इज लेफ्ट साइड, जो हमारा राइट साइड है दैट अपियर्स ऑन लेफ्ट साइड. सो दिस इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन, इट इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन. सो राइट डाउन, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज लेटरल इन्वर्जन. थर्ड प्रॉपर्टी इज लेटरल इन्वर्जन. लेटरल इन्वर्जन अच्छा लेटरल इन्वर्जन. सो लेटरल इन्वर्जन लिख लो ऐसे डैश करके, लेफ्ट साइड, लेफ्ट लेफ्ट. ओके आई विल टेल यू कैसे लिखना है, नहीं तो कहीं आप कुछ और ही लिख दो. लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट इन्वर्जन. लेफ्ट साइड राइट में दिखती है और राइट साइड लेफ्ट में दिखती है. सो दैट इज लेफ्ट राइट इन्वर्जन. इज इट क्लियर? यस सो जो अब एम्बुलेंस में आपको दिखता है कोई अगर आपसे पूछ रहे तो आप ये नहीं कहोगे कि हाँ एम्बुलेंस वाले ने गलत स्पेलिंग लिखी है. यू आर ए साइंस स्टूडेंट, यू से अरे ये तो लेटर इन्वर्जन किया है. क्यों किया है? क्योंकि हम जो देखेंगे कार ड्राइव कर रहे हैं, स्कूटर ड्राइव कर रहे हैं, तो उस टाइम क्या हो रहा है, शीशे में दिखता है हमें एम्बुलेंस कि पीछे आ रही है. हम कैसे देखते हैं? पहले शीशे में देखते हैं, रियर व्यू में. तो अगर हम रियर व्यू में देखेंगे और उन्होंने अगर स्पेलिंग ऐसे लिखी होगी तो हमें उल्टी नजर आएगी. वो तो पजल कर सकता है. तो वो पहले से ही उल्टा करके लिखते हैं, मतलब लेफ्ट राइट इन्वर्जन करके लिखते हैं कि जब वो मिरर पे आए तो हमें ऐसे दिखे. कभी आप देखना, आप नेक्स्ट टाइम कभी एम्बुलेंस अगर पीछे से आ रही होगी, सी इन योर मिरर यू कैन सी दिस स्पेलिंग, नॉट इन्वर्टेड स्पेलिंग. ठीक है? ताकि जो चला रहा है उसके लिए इजी रहे, उसको दिख जाए एम्बुलेंस आ रही है, तो उन्होंने एम्बुलेंस को पहले ही लेफ्ट राइट किया होता है ताकि इन योर रियर व्यू यू कैन सी राइट स्पेलिंग ऑफ द एम्बुलेंस. ठीक है? सो दैट इज द रीजन. ऐसा नहीं है कि उनको स्पेलिंग नहीं आती. ठीक है? अब ये नहीं समझना कि एम्बुलेंस वाले गलत है. चलो ये होगी हमारी प्रॉपर्टीज. सो दिस इज इन्वर्जन. अब आ जाते हैं डिफरेंस बिटवीन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर. फर्स्टली ये होता क्या है, दीज आर कर्व्ड और वी कैन से स्फेरिकल मिरर्स. अगर ये बॉल है बेटा, ये बॉल है, ठीक है, चम्मच हुआ. अगर ये बॉल है बेटा, इसको अगर मैं इक्वली काट दूं, ठीक है, इसको मैं अगर काट दूं इक्वली तो क्या होगा, ये बॉल है इसको मैं अगर बीच से काट दूं क्या होगा, अंदर से खाली है, यस कटोरी की तरह निकल के आएगी, जैसे कटोरी होती है वैसे निकल के आएगी. यस और नो? कटोरी की तरह निकल. यस अब उस कटोरी को हमने यूज करना, ये सपोज कर लो मिरर था पूरा गोल, इसको हमने बीच से काट दिया. अब दो हमारे पास जो है मिरर आ गए. अब एक मिरर को हमने बाहर की साइड से ऐसे देखो, ये बाहर की साइड से पॉलिश किया, यहां से पॉलिश कर दिया. अब उसकी अंदर वाली साइड, अगर हम ये कहें कटोरी है या चम्मच है, चम्मच का ये वाला साइड हमने पॉलिश कर दिया और यह अंदर से हम अगर अपने आप को देख रहे हैं तो दिस इज कॉनकेव मिरर. राइट डाउन, ऐसे बना के करो. चलो साथ में मेरे साथ बनाओ, लेट्स ड्रॉ इट टुगेदर. ये हमारे पास है, नाउ वी हैव पॉलिश्ड इट फ्रॉम आउटर साइड, ये हमने बाहर से पॉलिश किया. ठीक है, दिख रहा है ना बाहर की साइड, ये हम बाहर से पॉलिश कर रहे हैं. वी कैन पॉलिश इट फ्रॉम दिस साइड. जैसे ये चम्मच है हमारे पास, ठीक है, यू कैन सी इसके बाहर हमने पॉलिश किया तो अंदर वाली साइड क्या होगी, कॉनकेव मिरर. सो दिस इज अ कॉनकेव मिरर. कॉनकेव मिरर में बाहर की साइड से पॉलिश होता है, अंदर की साइड से नहीं. केव क्या होती है, गुफा होती है ना, तो ये देखो गुफा अंदर की साइड ही होगी, ये अंदर की साइड. तो ये कॉनकेव जो है अंदर की साइड से दिखेगा, मतलब हम इसमें जो शक्लें देखेंगे वो अंदर से देखेंगे, पीछे वाली साइड जो है बेंड साइड दैट इज पॉलिश्ड. ठीक है? कॉनकेव को याद रखना, केव गुफा अंदर से दिखेगी बाहर से नहीं दिखेगी. ठीक है? बाहर क्या है, पॉलिश्ड है. गॉट इट? यस. यस इसको ऑपोजिट क्या आ जाएगा, इसको ऑपोजिट आ जाएगा हमारे पास
अंदर की साइड से अगर हम पॉलिश कर दें, अब हमने अंदर की साइड से पॉलिश किया, अब हमने यहां से पॉलिश किया, अब हम यहां नहीं देख सकते क्योंकि यहां तो पॉलिश है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस साइड से जो पीछे वाली साइड है ये वाली पे हम देखेंगे, ये हमारे पास फोन है, अब हमने अंदर की साइड पॉलिश कर दिया है, तो हम कहां से देखेंगे, ये वाली साइड जो है, दिस साइड, फ्रॉम देयर वी कैन लुक, ठीक है, यहां से हम अपनी इमेज देखेंगे। नाउ दिस इज द, वी कैन से शाइनिंग सरफेस, सो दिस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर, इट्स अ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, इट्स अ कॉन्वेक्स मिरर। सबसे पहले बेटा स्फेरिकल मिरर में यू शुड अंडरस्टैंड वेयर इट इज कॉनकेव, वेयर इट इज कॉन्वेक्स, यूजली स्टूडेंट गेट कंफ्यूज्ड, ठीक है, आप इस चीज में हमेशा कंफ्यूज रहोगे, अभी आपको आ रहा है तो आपने इसको समझना है, चम्मच है अंदर से देख रहे हो कॉनकेव, बाहर से देख रहे हो कॉन्वेक्स, ठीक है, सो दैट इज हाउ यू शुड रिलेट, केव अंदर, अंदर से दिख रहा है कॉनकेव, कॉन्वेक्स जो है आपका बाहर वाली साइड से, वैक्स, वैक्स बाहर होगी, ठीक है, सो दैट इज हाउ यू शुड रिलेट दीज टू मिरर्स। अगर सिर्फ ऐसा आ जाए तो इसको क्या कहेंगे, ये क्या है, दिस प्लेन, सीधा जो होगा दैट इज प्लेन मिरर, ओके, तो चलो वापस चलते हैं, सो दिस इज कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, ठीक है, पॉलिशिंग के बेस पे डिफरेंस होता है, वेयर इट इज पॉलिश, वेयर इज द पॉलिश सर्फेस, इफ इट्स आउटर साइड इट इज कॉनकेव, इफ इट्स इनर साइड इट इज कॉन्वेक्स, ठीक है, सो दैट इज वन। नाउ अब हम इसको थोड़ा सा और करेंगे कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग, उसके लिए हमें एक चीज समझनी होगी, आप में से किसी ने कभी लेंस लिया या ग्लास लेके पेपर पे सन की जो लाइट है उसको डाला है, या करते देखा है, या कभी कोई वीडियो देखी है ऐसी कि आग लग जाती है पेपर में होल बन जाता है, हैव यू सीन लाइक दिस, अब आपको क्या लगता है कौन सा मिरर होता होगा, वो कौन सा मिरर लग रहा है, कौन सा मिरर होगा, अगर ये हमारे पास रेज आ रही है, लेट्स सी दैट, दिस इज सनलाइट एंड वी यूज सम ग्लास हियर, ओके, एंड दिस इज आर पेपर वेयर लाइट इज फॉलिंग एट सिंगल स्पॉट, इस स्पॉट पे जो लाइट गिर रही है, और कुछ देर बाद हम देखते हैं वो पेपर जलना शुरू हो जाता है, वाई सो, सेवंथ ए फर्स्ट बेंच स्टूडेंट्स बी अटेंटिव, बेटा आप तो सारे क्लियरली दिखोगे, आप पहले बेंच पे बैठे हो, ठीक है, मुझे तो अभी लास्ट वाले भी दिख रहे हैं, दे आर मोर अटेंटिव देन यू, ठीक है, सो हियर लाइट इज फॉलिंग इन दिस सिंगल स्पॉट, इस पूरे इस स्पॉट पे पड़ रही है, इकट्ठी होके पड़ रही है, बिखर नहीं रही, सो दैट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग, पहले तो हमें पता होना चाहिए कन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है, कन्वर्जिंग मीन्स कॉन्सेंट्रेटिंग, इकट्ठा होना, जो चीज अलग अलग जा रही थी, जैसे नदी क्या होती है आगे जाती है, लेकिन अगर हम उसका उल्टा कर दे, कोई चीज हम इकट्ठा कर रहे हो, सो दैट इज कन्वर्ज या कॉन्सेंट्रेट, जो लाइट यहां पर ऐसे 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 आ रही थी, यहां पर कन्वर्ज हो रही है, सिंगल यहां पर आ रही है, छोटे से पॉइंट में आ रही है, दैट इज कन्वर्जिंग। Now, who converges the light? Concave mirror. तो आप concave mirror से ये चीज कर सकते हो, concave mirror को इसलिए converging lens भी कहते हैं, राइट डाउन, concave mirror इज ऑल्सो कॉल्ड converging mirror. इट इज ऑल्सो कॉल्ड converging mirror, क्योंकि ये लाइट को इकट्ठा करता है, जो रेज हमको इकट्ठा कर देता है, ठीक है, इट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर ऑल्सो। अगर इसी का उल्टा कर दें, कोई मिरर जो लाइट है जो इतनी आ रही है उसको और ऐसे इधर उधर भेज दे, बिखेर दे, उसको हम क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स मिरर तो कॉन्वेक्स है, लेकिन जैसे यहां कन्वर्जिंग कह रहे हैं उस टर्म को क्या कहेंगे, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, ये एक हमारा कॉरिडोर है आपके स्कूल में, जो कि आगे भी फर्दर जो है कॉरिडोर से मिलता है, ठीक है, आपने सीधा यहां जाना था, लेकिन
समहाउ कुछ आपको अनाउंसमेंट होती है कि आपने फटाफट किसी एक पॉइंट पे यहाँ पर मिलना है। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, अब यहाँ पर जो है यहाँ से भी एक आने का रास्ता है, यहाँ से भी आने का एक रास्ता है। अब क्या होगा, कई स्टूडेंट क्या हो जाएंगे, जो ये जो आपका मेन जो आपका पाथ था उससे डाइवर्ट हो जाएंगे, कुछ इधर को भाग जाएंगे कुछ इधर को भाग जाएंगे फटाफट ताकि हम मिल जाए। ठीक है, सो ये जो अपने आप अपने रास्ते से बिखरे हो, ठीक है, इधर उधर चले गए हो, स्कैटर हो गए हो, दैट इज कॉल्ड डाइवर्ट। कई बार हम कहते हैं ना हमारा मन डाइवर्ट हो गया, कुछ पढ़ रहे थे स्टोरी पढ़ रहे थे, अचानक से कोई फ्रेंड आया उसने कोई बात करनी शुरू कर दी, तो आपका मन डाइवर्ट हो गया, आप स्टोरी भूल गए। ठीक है, डाइवर्ट वर्ड आपने सुना होगा अपनी रियल लाइफ में भी, तो डाइवर्ज भी उसी से रिलेटेड है। इफ वी से दैट डाइवर्ट इज रिलेटेड टू दिस ओनली, सो कॉन्वेक्स मिरर लिखो, कॉन्वेक्स मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर, क्योंकि लाइट को बिखेरता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर। अगर ये यहाँ पर हमारे पास मिरर है कॉन्वेक्स, तो इसके पास अगर ये लाइट आ रही है तो ये इसको बिखेरेगा और ज्यादा ऐसा बिखेर देगा, सो इट्स ए डाइवर्जिंग मिरर। और अगर इसी का ऑपोजिट हम चले जाते कॉनकेव, अभी हमने पढ़ा इसको, उसको भी अगर हम इस तरह से भी बनाए, लेट मी टेल यू, पहले ये कर लो फिर बताती, दिस इज कॉन्वेक्स। बेटा साथ साथ ड्रॉ करो, ये आपके जो भी मैं अभी करा रही हूँ आपके पेपर में आएगा। इट्स अ डाइवर्जिंग मिरर, और इसी का जो भी हम ऑपोजिट क्या था, कॉन्वेक्स, कॉनकेव। कॉनकेव में क्या हो जाता है, यही है, सॉरी कॉनकेव, कॉनकेव में क्या होता है, जो लाइट आएगी, जो लाइट आ रही है इसके पास, ये जो लाइट आ रही है ये सारी कन्वर्ज होती है, कन्वर्ज यानी ये देखो सिंगल पॉइंट पे मिल रही है टकराने के बाद, दिस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग, ये सिंगल पॉइंट पे यहां पर मिल गए, दिस इज कन्वर्जिंग, गॉट इट, रिफ्लेक्टेड रेस कन्वर्ज हो रही है, इकट्ठी हो रही है, इज इट क्लियर एवरीवन। यस कुछ इनके जो है फीचर्स देखते हैं, फटाफट नोट डाउन करो इसको भी। अगर हम मिरर की बात करें, ये हमारे पास मिरर है, अब ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, ये जो एक्सट्रीम दो पॉइंट्स है, इनको कहते हैं बेटा अपर्चर, इट इज कॉल्ड अपर्चर। बनाओ इसको, लिखो, और इसको डिनोट करते हैं बाय ए, इट्स अपर्चर। और ये जो हमारा हाफ है, सेमी हाफ, इसके ठीक बीच में एक पॉइंट अगर हम ड्रॉ करें, वी कॉल इट पोल, इसको पी से डिनोट करते हैं। अब हमने इसको काटा था, इफ यू रिमेम्बर मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था ये बॉल है इसको काट दे। अगर मैं इसको स्फेरिकल मिरर कह रहे हैं, इसको अगर मैं कंप्लीट कर दूं ऐसे सर्कल बना दूं किसी तरह, तो स्फेयर बन गया। अब आपने पढ़ा होगा अपनी मैथ्स में, जो स्फेयर होता है सर्कल होता है उसका सेंटर होता है, तो मैंने इसका भी अगर हम सेंटर बनाए, लेट्स मेक द सेंटर ऑफ दिस, दिस इज द सेंटर, इसको लिखो सी, और इसको हम कहते हैं बेटा सी को सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर।
अगर कोई सेंटर है सर्कल का तो उसका रेडियस होगा कोई, ठीक है। अब इसका एक रेडियस बना ले पोल तक जो बनेगा, दिस इज डिनोट बाय आर, इसको हम आर से डिनोट करते हैं, लिखते हैं, राइट डाउन रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब अगर हम यहां पोल से लेके एक लाइन ड्रॉ कर दें जो कि पूरे यहां तक जा रही है, इसको हम कहते हैं पी ए, PA, जिसको हम लिख सकते हैं प्रिंसिपल एक्सेस, इट्स अ प्रिंसिपल एक्सेस। और अप्रोक्सीमेटली जो सेंटर होता है, या फिर हम रेडियस की बात करें, अप्रोक्सीमेटली नॉट इन एवरी केस, जो तो रेडियस का हाफ होता है उसको हम कहते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ बेसिकली हमें ये बताती है जो इमेज बनी है, इमेज और पोल का डिस्टेंस, इमेज और पोल का डिस्टेंस, इट इज अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ आर, यानी रेडियस का हाफ। इसको प्रिंसिपल फोकस लिख सकते हो आप, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस जहां पर इमेज बनती है और ये जो लेंथ है दैट इज स्मॉल एफ, और प्रिंसिपल फोकस को हम कैपिटल एफ से कहते हैं, कैपिटल एफ इज प्रिंसिपल फोकस। इट इज प्रिंसिपल फोकस। सो इज इट क्लियर, दीज पॉइंट्स आर क्लियर बेटा? यस ओके, सो नाउ लेट्स क्विकली डू दिस। अब आपको एक एक्टिविटी दिखाती हूँ, इसको ध्यान से देखना। वी गोइंग टू डू एन एक्टिविटी, इसको आपने बड़े ध्यान से देखना है। अब मेरे पास बेटा कुछ मिरर्स हैं, हियर यू कैन सी, ओके। सो अब जो इमेज बनेगी हमें नहीं पता ये कौन सा मिरर है, ठीक है, वी हैव टू फाइंड इट, ठीक है। फर्स्टली हियर ऑन द स्क्रीन कैन यू सी दिस, जो हमारे बाहर अभी हमने स्क्रीन पे लिखा था, कैन यू सी द टेक्स्ट हियर? मैम यस यस सर। अब ये क्या हो रहा है बेटा, प्रॉपर्टी का क्या नाम है, सर व्हाट दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड? लेटरल इन्वर्जन, यस दिस इज लेटरल इन्वर्जन, दैट्स राइट। अब यहाँ पर देखो कैंडल जो है, हमने भी किया था, जो कैंडल का या ये ऑब्जेक्ट है, द डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड द ऑब्जेक्ट एंड द डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड द मिरर इज ऑलवेज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द मिरर एंड इमेज फ्रॉम द मिरर इज ऑलवेज सेम, यस इट्स सेम, एंड द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट सेम, यस।
यस और नो? यस। सो हमने अभी थ्री प्रॉपर्टीज यहाँ पर देख भी ली जो हमने अभी डिस्कस की थी, कि यहाँ पर इसका साइज, ऑब्जेक्ट का साइज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द इमेज। यस 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 दैट्स गुड। सो दिस दिस इज अबाउट प्लेन मिरर। ठीक है, नाउ वन थिंग हियर, कैन यू टच दिस इमेज? कैन वी टच दिस इमेज? सो व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज दिस? वी कैन टच द मिरर बट वी कैन नॉट टच द इमेज। अब यहाँ पीछे जो इमेज है, यहाँ पर कोई इमेज नहीं बन रही। कैन यू सी, इज देयर एन इमेज? सो दिस इमेज इज व्हाट? इस इमेज को हम क्या कहेंगे बेटा? यस, इस इमेज को लिखो, दिस इमेज इज वर्चुअल, इट्स नॉट रियल, बिकॉज वी कांट टच इट। वी कैन टच द मिरर बट वी कांट टच द इमेज। इमेज इज नॉट फॉर्मिंग बिहाइंड द मिरर, और वी कैन से हेयर ऑन दिस साइड। इज देयर एनी इमेज? हेलो नो। सो दिस इज वर्चुअल इमेज, सो वी कैन इजली सी दैट इट्स अ वर्चुअल इमेज। यस, इट्स अ वर्चुअल इमेज। अब इसका ऑपोजिट क्या होगा? व्हाट इज ऑपोजिट ऑफ दिस? अब हमारे पास यहां पर बेटा, आई विल ट्राई टू शो यू हियर, एंड दिस इज व्हाइट स्क्रीन। ओके, हियर इज व्हाइट स्क्रीन। ओके, एंड दिस इज मिरर हियर, एंड दिस इज कैंडल। सो लेट मी मेक इट लिटिल डार्क। तो आई वॉन्ट टू शो यू, कैन यू सी एनी इमेज ऑफ दिस? दिस कैंडल इज, कैन यू सी एनी इमेज ऑफ कैंडल ओवर हियर ऑन दिस स्क्रीन? यस, इस शीट पे आपको कोई इमेज नजर आई? हेलो नो, दैट्स फाइन। कैन यू सी नाउ? लेट मी शो यू, कैन यू सी नाउ? इट इज क्लियरली विजिबल टू मी। लेट, कैन यू सी नाउ? यस इट इज नॉट फॉर्मिंग ऑन अ मिरर। ये मिरर पे नहीं बन रही बेटा, ये स्क्रीन पे बन रही है। व्हाइट कलर का मैंने जो है एक शीट ली है, उस पे बन रही है। मिरर पे अगर आपने देखनी है, इट इज हेयर, मिरर इज हेयर, मिरर पे ये बन रही है। इट इज सिंपल, वी कैन से स्क्रीन और वी कैन से शीट, और दिस इमेज ऑफ द कैंडल इज फॉर्मिंग। अब ये जो यहाँ पर मिरर मैंने ले रखा है, यहाँ पर इस पे नहीं बन रही। इफ आई शो यू, इट इज नॉट फॉर्मिंग ऑन दिस मिरर। ओके, इट इज फॉर्मिंग ऑन दिस स्क्रीन, और उल्टी बन रही है। कैन यू सी? इट इज इन्वर्टेड, इट इज इन्वर्टेड। कैन यू सी दिस? इट इज इन्वर्टेड। फ्लेम देखो, फ्लेम नीचे को है, उल्टा है। देखो, कैन यू सी दिस? ये देखो, इसकी टिप जो है नीचे को है। ये जो फ्लेम की टिप है, दैट इज डाउन साइड। कैन यू सी दिस? ऊपर से देखो, ऊपर मोटी है और नीचे पतली है। कैन यू सी? जबकि इसमें क्या है, नीचे को मोटी है और ऊपर को पतली है। सो ये जो इमेज है, या ये भी वर्चुअल है, हम इसको टच कर सकते हैं? यस, ये देखो मेरे ऊपर बनने शुरू होगी। कैन यू सी? मेरी फिंगर पे बन रही है। सो कैन वी टच दिस इमेज? सो व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज दिस? इट इज रियल, ये रियल इमेज है, और ये इन्वर्टेड है, उल्टी है। तो राइट डाउन, और ये जो मिरर जो बना रहा है, दैट इज कॉन्वेक्स। सो लिखो, ये भी आपने खुद देखा। सो लिखो, कॉन्वेक्स मिरर। और अगर मैं इसे कॉनकेव से चेंज कर दूं बेटा, तब भी आपको कुछ नहीं दिखेगा स्क्रीन में। स्क्रीन पे कुछ नहीं नजर आ रहा, क्योंकि ये सिर्फ कॉनकेव ही बनाता है। यू कैन सी हेयर, ये देखो कुछ नहीं बना।
कॉन्वेक्स यूज किया, कुछ नहीं बना. बट इन केस ऑफ कॉनकेव वी हैव सीन इटसेल्फ, सो दैट इज व्हाट वी मेंट बाय दिस. सो लिखो कॉनकेव मिरर फॉर्म्स, कॉनकेव मिरर फॉर्म्स रियल एंड इनवर्टेड इमेज. रियल एंड इनवर्टेड इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड. अभी हमने कैंडल का खुद करके देखा, या आप घर पे भी कर सकते हो अगर आपके पास कॉनकेव मिरर है. अगर नहीं भी है ना, डेंटिस्ट मिरर जो होता है, या फिर आपके टॉर्च में मिरर होता है, दैट इज कॉनकेव. ठीक है, यू कैन यूज दैट ऑल्सो. सो कॉनकेव मिरर फॉर्म्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज. ठीक है, अब हमने कॉन्वेक्स में देखा, उसमें कैसी बनी, जो प्लेन मिरर में थी, वर्चुअल वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट. और जो इमेज कॉन्वेक्स में एक और होती है, वो छोटी बनती है, जो ऑब्जेक्ट का साइज है उससे छोटी बनती है, डिमिनिश कहते हैं उसे हम. सो वी कैन रिमेम्बर इट विद अ निमोनिक, क्या, देव. अपने उसमें स्टार करके लिख लो, देव. कॉन्वेक्स मिरर जो बनाता है इमेज, उसको याद करो देव से. डी फॉर डिमिनिश, ई फॉर इरेक्ट, वी फॉर वर्चुअल. तो आपको हमेशा याद रहेगा. और इसका ऑपोजिट तो आपको बताइए किसमें बनेगा, इन कॉनवे कॉनकेव. ठीक है, सो आई होप इट इज प्रेटी क्लियर टू एवरीवन नाउ. यस, सो बेटा नेक्स्ट क्लास में ट्राई टू कम विद द सॉल्यूशन और वी सॉल्व असाइनमेंट, क्योंकि ये पूरी असाइनमेंट हमने जो है प्रैक्टिकली करी है अभी. ठीक है, आपसे जितना सॉल्व होता है ट्राई टू सॉल्व इट. फर्स्ट क्वेश्चन तो हमने कर लिया था स्टार्टिंग में पीपीटी में ही, स्क्रीन पे, जिसमें इमेज वाला है. रेस्ट क्वेश्चंस ट्राई टू डू योरसेल्फ. ओके, देन वी विल डिस्कस इन द क्लास. सो नाउ योर मैथ क्लास इज गोइंग टू स्टार्ट इन अ फ्यू सेकेंड और फ्यू मिनट्स. ओके, बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर. हाय मैम. गुड मॉर्निंग सेवेंथ क्लास. मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग बेटा. बेटा, हैव यू गॉट एरिया एंड पेरीमीटर का मॉड्यूल? यस. ऑल राइट.
डिड यू ट्राई, हॉलीडेज में ट्राई किया आपने? यस गुड गुड, चलो इनके आंसर डिस्कस करेंगे साथ साथ में, शॉर्ट फॉर्म इनके आंसर्स लिखेंगे भी, जिन बच्चों ने नहीं किए होंगे दे विल डू। ओके, और आई विल बी कॉलिंग द नेम, ठीक है? बैठ के कई बच्चों ने आंसर नहीं बोलने, सो दैट मेरे को पता चले कि किस किसने किया है किसने नहीं किया। ओके, सेटल डाउन, साइलेंट। ओके, क्वेश्चन इज, आई एम रीडिंग द क्वेश्चन। अ फ्लोरल डिजाइन ऑन द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 280 टाइल्स। ईच टाइल इज इन द शेप ऑफ अ पैरेललोग्राम ऑफ ऑल्टीट्यूड 3 सेंटीमीटर, राइट? एंड बेस इज 5 सेंटीमीटर। द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ 50 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज, राइट? इसमें शॉर्ट फॉर्म में हम यहाँ पे लिख रहे हैं, फिर आई विल बी आस्किंग यू कि आपने इसमें क्या किया। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इट इज गिवन हियर, नंबर ऑफ टाइल्स आर गिवन टू यू, नंबर ऑफ टाइल्स 280, राइट? देन इट इज गिवन टू यू ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड ऑफ अ पैरेललोग्राम 3 सेंटीमीटर, एंड बेस इज गिवन टू यू 5 सेंटीमीटर। ओके, फिगर यू विल बी ड्रॉइंग हियर, हर एक क्वेश्चन में आपने फिगर ड्रॉ करनी है। पहले एरिया पैरेललोग्राम की जो चैप्टर है, ज्योमेट्री के जितने भी चैप्टर होते हैं, बिना डायग्राम के हम कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे, सो दैट यू कम टू नो कि हमारी किस चीज का फॉर्मूला लग रहा है, कौन सी फिगर का हमारा फॉर्मूला लग रहा है। दिस इज 3 सेंटीमीटर ऑल्टीट्यूड, ओके, दिस इज ABCD, वी हैव टू राइट आर ओन नेम, पैरेललोग्राम, एंड कॉस्ट इज गिवन टू अस, सब कुछ हम समरी फॉर्म में पहले लिख लेंगे यहाँ पे, जो जो गिवन है। कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग इज गिवन टू यू इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को कितना पॉलिश करने में कितनी मनी लगेगी, दैट इज गिवन 50 पैसे। 50 पैसे मीन्स उसको हमने उसमें करना है, रुपीज में कन्वर्ट करना है, 50 पैसे, राइट? बी सेक्शन, सेकेंड बेंच गर्ल, यस आगे आ जाओ बेटा, बी सेक्शन, यस आगे आ जाओ। टू गर्ल्स हु आर सिटिंग, यस आगे कम फॉरवर्ड। व्हाट वुड यू राइट इट इन रुपीज फॉर्म? 50 पैसे का मतलब हाउ मेनी रुपीज, बिकॉज हमें रुपीज में ही निकालना है आंसर। तो 280 टाइल्स है, सो मेनी टाइल्स आर देयर, हाउ विल यू चेंज इट इंटू रुपीज? I have done firstly in पैसे एंड देन आंसर कन्वर्ट टू रुपीज. अच्छा, लेटर इन आंसर आपने कन्वर्ट किया उसको, तो यस ओके, बट फिर भी आपको पता ही है कि पैसे को रुपीस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। मैम, यस हाँ जी, बताओ क्या किया, क्या करते हो इसमें? मैम, आंसर आया था 21 21 100, मैम. यस 2100, आंसर बिल्कुल ठीक है आपका, पर अभी मैं आपसे पूछ रही हूँ कि हाउ विल यू कन्वर्ट 50 पैसे इंटू रुपीस? आपने मैम, पूछा क्वेश्चन? आई हैव कट 2 0s फ्रॉम एंड. ओके, बैठो बैठो बेटा, आंसर आपका बिल्कुल ठीक है। एक बार दोबारा अपने आंसर को देखो जहां भी आपने किया है, एंड ट्राई टू टेल मी व्हाट आई एम आस्किंग। यस, ए सेक्शन, सेकंड बेंच बॉयज, सेकंड बेंच, यस दिस साइड कॉर्नर बॉय, यस कम फॉरवर्ड। हाँ जी, आ जाओ बेटा। हाउ विल यू चेंज इट इंटू रुपीज? क्योंकि बिना रुपीज में कन्वर्ट किए आपका आंसर नहीं निकलेगा, चाहे अभी करो चाहे लास्ट में करो। ओके, ₹1 200 पैसे, इज इक्वल टू, यस यस बोलो, 100 पैसे नहीं, 1 रुपीज, क्या बताना चाहते हैं मेरे को? ओके ₹1 200 पैसे फाइन,
अभी मैं क्या लिखूं यहाँ पे फिर, 50 पैसे इज इक्वल टू क्या लिखना चाहिए मेरे को? ओके बैठो बैठो बेटा, बी सेक्शन से बॉय इज रेजिंग हिज हैंड, यस बेटा फर्स्ट बच्चा बता दो, एंड 0.5 रुपीज। इट मीन्स 50 by 100 रुपीज, इज इट? इट शुड बी लाइक दिस, एम यस। यस यू हैव कैंसल जीरो, यू रोट हियर 0.5, राइट 0.5 रुपीज, वेरी गुड, सिट डाउन। आपको वो बाकी बच्चे जिनको मैंने पहले बुलाया था उनको बताना नहीं आ रहा, बट यू नो इट कि हम पैसे को रुपीज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसको डिवाइड करके, ठीक है? छोटा है, छोटे यूनिट से जब हम बड़े यूनिट में करना होता है तो हम डिवाइड करके उसको सॉल्व करते हैं, राइट? ये तो हमारा हो गया, रुपीज में कन्वर्ट हो गया। नाउ वी हैव कम टू नो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग। इस पूरे चैप्टर में आपने या तो एरिया के बारे में पढ़ा है या फिर पैरीमीटर के बारे में पढ़ा है, एरिया या फिर पैरीमीटर, ठीक है? पैरीमीटर हम तब लगाते हैं जब हम बाउंड्री की बात कर रहे हैं, एरिया हम तब लगाते हैं फॉर्मूला जब हम उसके अंदर की बात कर रहे हैं, उसके एरिया, उसके जो फिगर बनी हुई है उसके इंटरनल एरिया की बात कर रहे हैं, चाहे हम ग्रास लगा रहे हैं, चाहे हम पॉलिश कर रहे हैं, पेंट कर रहे हैं, वट एवर, प्लांटेशन कर रहे हैं, प्लांट्स लगा रहे हैं अंदर, ग्रास लगा रहे हैं, तब हम एरिया की बात करते हैं। तो आपने एरिया निकाला होगा इसमें, किस किस बच्चे ने एरिया निकाला था इसमें, रेज योर हैंड, आपने किया होगा हॉलीडेज में, वेरी गुड। ओके, क्या फॉर्मूला लगाया है इसमें एरिया का? ए सेक्शन, यस द बॉयज रेजिंग हिज हैंड, सेकेंड बेंच, यस आ जाओ बेटे आगे, ब्रेथ लेंथ इनटू ब्रेथ। यहां पे ब्रेथ क्या होगी बेटा? मैम बेस ओके, फिर ब्रेथ क्या होगी? लेंथ अगर बेस होगी तो फिर ब्रेथ किसको लेंगे हम? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, यहां पे पैरेललोग्राम की बात हो रही है। आपको पता है फिगर में पैरेललोग्राम दिया हुआ था? यस यस, तो पैरेललोग्राम के एरिया का क्या होता है फॉर्मूला? बेस मैम बेस इनटू हाइट। इनटू हाइट, यस वेरी गुड, सिट डाउन, बेस इनटू हाइट। इसमें हम एल इंटू बी नहीं करेंगे, वो एल इंटू बी रेक्टेंगल में चलता है, यहाँ पे बेस और हाइट की बात हो रही है, तो आपने यहाँ पे वैल्यूज पुट की, बेस इज 5 एंड हाइट इज ऑल्टीट्यूड, प्लीज रिमेम्बर ये आपके पास आ रहा है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसमें यूनिट भी साथ लिखोगे एवरीबॉडी, ओके? क्योंकि कभी भी हमारी जो ज्योमेट्री के क्वेश्चंस होते हैं वो बिना यूनिट के नहीं होते, समटाइम वी आर यूजिंग सेंटीमीटर मीटर, समटाइम वी आर यूजिंग एरिया यूनिट जिसको हम बोलते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है? एरिया आपके पास निकल चुका है, अब आपने निकालना है एरिया ऑफ 280 टाइल्स। अभी एक टाइल का हमारे पास निकला था, अब हमने 280 टाइल्स का एरिया निकालना है, क्योंकि हमारे पास ऑल द टाइल्स आर इन द फॉर्म ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है? सारी की सारी हमारे पास टाइल्स जो है वो पैरेललोग्राम की फॉर्म में है, तो आपके पास आएगा 280 × 15। व्हाट इज कमिंग? कई बच्चे अभी कर रहे हैं, टेल मी द आंसर, जो अभी कर रहे हैं। बी सेक्शन, फर्स्ट बॉय, मिडिल रो, यस 4,200 4,200 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस स्टेप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज इसको स्टार लगाओ, क्योंकि हम क्वेश्चन करते करते ये भूल जाते हैं कि हमारे पास एक टाइल नहीं है, वी हैव 280 टाइल्स। जो हमारी फर्स्ट सेंटेंस जो हमने लिखा था दैट इज टू बी यूज्ड। अभी हमने इनकी कॉस्ट निकालनी है, ठीक है? कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग
4200 cm² एरिया, इतने इतने बड़े एरिया को हमने पॉलिश करना। ठीक है, एक की आपको कॉस्ट दी हुई थी, अब सारे के सारे उसकी निकालनी है आपने, तो यू कैन डू द कैलकुलेशन। अभी कैलकुलेशन में क्या करना है, मेजर पार्ट है ये क्वेश्चन का आपका, कॉस्ट कैसे निकालनी है। ए सेक्शन थर्ड बेंच, बॉयज रेजिंग हिज हैंड, थर्ड बॉय कॉर्नर में जो बैठा हुआ है, यस कम आउट दिस साइड, यस कॉर्नर बॉय, यस आजू बेटा, व्हाट वुड यू डू, मेरे को आंसर नहीं चाहिए, अगर आपने नहीं निकाला टेल मी व्हाट वुड यू डू, मल्टीप्लाई या डिवाइड। मल्टीप्लाई पार्डन, दोबारा बोलो बेटा, मल्टीप्लाई, यस 4200 मल्टीप्लाई बाय 0.5, आपने आंसर निकाला बेटे इसका। चाइल्ड हु इज स्टैंडिंग हियर, कैलकुलेशन करके आंसर निकाला हुआ इसका, पहले किया है आपने घर पे। ओके बताओ फिर, मल्टीप्लाई 2100, कॉन्फिडेंटली बोलो, अगर आपने कैलकुलेट किया है तो इसको कॉन्फिडेंटली बोलो, ₹2100 इज द राइट आंसर। ओके सिट डाउन बैठो बेटा, एरिया एंड पैरीमीटर के क्वेश्चन बहुत ध्यान से करने हैं, कोई डाउट है आप साथ साथ में पूछ लो, इस चैप्टर में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जैसे अभी हम कर रहे हैं, जैसे आपके मॉड्यूल में है, आपकी बुक में भी ऐसे वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, एंड दे आर ऑफ बिगर मार्क्स, कोई 3 मार्क्स का होगा, कोई 4 मार्क्स का होगा, क्योंकि दे आर लॉन्गर क्वेश्चंस। किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? नो वेरी गुड, प्लीज रिमेम्बर कि हमारे पास फिगर कौन सी है और हमने उसका फॉर्मूला क्या लगाना है। ट्राइंगल की फिगर है तो डिफरेंट फॉर्मूला लगेगा, रेक्टेंगल की है तो डिफरेंट लगेगा, पैरेललोग्राम है तो डिफरेंट लगेगा, स्क्वायर है तो डिफरेंट लगेगा, तो आपकी यही चीजें बार 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 यूज हो रही हैं। किसी क्वेश्चन में एरिया निकाल रहे हो, किसी क्वेश्चन में पैरीमीटर निकाल रहे हो, किसी क्वेश्चन में कॉस्ट भी निकाल रहे हो। जब आप कॉस्ट निकालते हो आपका 2 नंबर का क्वेश्चन एक एक्स्ट्रा हो जाता है उसके अंदर, तो इसलिए बड़े क्वेश्चंस में की फॉर्म में 4 नंबर में या 3 मार्क्स में। ओके बेटा ध्यान से करना इसको, डू इट केयरफुली, जिनको आता है वो भी केयरफुली करें ताकि आपकी कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो जाए। सेकंड क्वेश्चन वाज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग, इट वॉज नॉट सिंपल क्वेश्चन, किस किस ने किया है सेकेंड क्वेश्चन, रेज योर हैंड। ओके गुड गुड गुड, ए सेक्शन से थर्ड बेंच गर्ल इज रेजिंग अ हैंड, यस आ जाओ बेटा दिस साइड, टेल मी द मैथड की क्या किया इसमें आपने। ठीक है, दिस वॉज अ क्वेश्चन लाइक दिस एंड दिस वॉज डॉटेड लाइन, दिस वॉज परपेंडिकुलर, क्या किया इस क्वेश्चन में आपने। आपको निकालना क्या था इसमें, एरिया निकालना था। ओके आपको जस्ट अ मिनट, मैं थोड़ा इसका स्क्रीन ठीक करूं, आपको फिगर पूरी दिखनी चाहिए, यस इट इज फाइन नाउ। आपको इस फिगर में जो जो गिवन है पहले तो मेरे को वो लिखने दो, देन आई विल आस्क यू। ईडी वाज गिवन 10 सेंटीमीटर, पूरा का पूरा ये आपको 10 सेंटीमीटर गिवन था, और आपको मैंने जो फॉर्मूलाज लिखवाए थे प्लीज रिमेम्बर, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल मैंने कैसे बताया था आपको, उसमें हाइट कहाँ होती है और ट्राइंगल हम कैसे चूज करते हैं। बी सी आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, दिस इज गिवन 5 सेंटीमीटर, प्लांटिंग जो दी हुई है, एंड हाइट इज गिवन 4 सेंटीमीटर, दिस इज हाइट 4 सेंटीमीटर। मैंने आपको फॉर्मूलाज में लिखवाया था कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में हमारी हाइट जो होती है वो बाहर फॉल करती है। किस किस को याद है ये चीज, रेज योर हैंड। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में हाइट बाहर फॉल करती है, आई टोल्ड यू, यस हैंड्स डाउन। और क्या बताया था इसमें मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक और बताई थी, हाइट तो बाहर फॉल करती है, यस दिस इज हाइट, बट व्हाट इज द बेस हियर।
अगर मैं यहाँ पे डी ई एफ लिखती हूँ, डी ई एफ, और यहाँ पे जी लिखती हूँ, इसमें फिर बेस क्या होना चाहिए आपका? हाइट तो ठीक है आपकी, हो गई। प्लीज रिमेम्बर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में, यस दैट गर्ल इज स्टैंडिंग हियर, यस बेटा कैन यू टेल मी व्हाट इज द बेस हियर? ई जी यू सेड, है ना? थोड़ा लाउडली बोलो, माइक के पास आके थोड़ा लाउडली बोलो बेटा। आर यू टेलिंग ई जी? मैम यस आर यू टेलिंग मी दिस होल इज अ बेस? मैम नो नो, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है आपके पास, दिस इज नॉट द बेस। बैठो बैठो, आप ध्यान से सुनो इसको। हु एल्स नोस किसका बेस क्या होगा इसमें? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में दिस इज द बेस बेटा, आई टोल्ड यू ये सारी एक्सटेंशन हो रही है। जब आप ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनाते हो ना ये वाला, तो इसमें सारी ये एक्सटेंशन हो रही है, पीछे पीछे इसको देखते हुए एक्सटेंशन हो रही है, हमारी हाइट के अकॉर्डिंगली एक्सटेंशन हो रही है, बेस तो हमारा यही रहेगा। प्लीज रिमेम्बर, ठीक है? इसमें प्रॉब्लम हो जाती है, डाउट होता है बच्चों को, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कभी कभी यूज होता है आपका। प्लीज रिमेम्बर, बेस हमारा छोटे वाला ही रहेगा, बाकी तो लाइन हमारी एक्सटेंड हो रही है हाइट को कैचअप करने के लिए। ओके, अब जो आपको क्वेश्चन गिवन था, इसमें बेस आपने 10 लिया, इसका मतलब जो बच्चों ने क्वेश्चन किया है, इज इट 10 लेके किया आपने इसको? ओके, इसको ठीक करो फिर, ये क्वेश्चन करवा रही हूँ आपको, प्लीज करेक्ट इट एंड इसको लिख लो यहाँ पे, ये हेयर ई एफ इज द बेस। चलो आप क्वेश्चन फॉर्म ही करो इसको, जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं पहले उसको फोकस करो, यू शुड नो इट। राइट डाउन, ए बी इज इक्वल टू बेस, ठीक है, एंड सी डी इज इक्वल टू हाइट, एंड जो आपको बी सी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, उसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं, देखते हैं उसका यूज कहाँ पे होता है वो हम देखते हैं अभी आगे। लेट अस सी, हाइट एंड बेस के बारे में तो हमें पता चल गया। ओके, अब आपको प्रॉब्लम ये है इस क्वेश्चन में कि हमें ए बी की वैल्यू नहीं पता, जब तक हमें ए बी नहीं पता चलेगा हम उसका एरिया नहीं निकाल पाएंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, हम ए बी सी उसका नाम लिखेंगे, ए बी डी नहीं लिखेंगे। प्लीज रिमेम्बर, ट्राइंगल का नाम ए बी सी है, ओके, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग बेस एज ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। बेस की जगह हम लिखेंगे यहाँ पे ए बी, और हाइट की जगह हम लिखेंगे सी डी जो कि बाहर फॉल कर रही है। प्लीज रिमेम्बर, यहां तक क्वेश्चन समझ आ गया सबको कि हम 10 को नहीं यूज करेंगे एज इट इज। क्योंकि आपको फिगर में दिया हुआ, आपकी वर्कशीट में जो क्वेश्चन ड्रॉ किया हुआ है वो डॉटेड में है बाहर, इसका मतलब वो कह रहा है कि ओरिजिनल ट्राइंगल आपका ये वाला है, दिस इज ए बी सी इज द ओरिजिनल ट्राइंगल जिसको हमने जिसका एरिया निकालना है। अब प्रॉब्लम ये है कि वी डोंट नो व्हाट इज ए बी, तो पहले तो ए बी को निकालेंगे। सी डी पता है हमें यहां पे, वी नो सी डी, यस यू नो इट इज रिटन 4 हियर। हाउ वुड यू फाइंड ए बी? थिंक इट केयरफुली, ए बी की लेंथ आपको कैसे पता चलेगी? कोशिश करो थोड़ी सी, हाउ विल यू फाइंड ए बी? जब तक ए बी नहीं आएगा हमारा एरिया नहीं आएगा।
Write down AB is equal to AD minus BD. क्या आपको दिख रहा है क्लियरली ये? AB की वैल्यू हमारी कहां से आएगी? AD में से अगर हम BD को माइनस कर दें तो हमारे पास AB की वैल्यू आ जाएगी। How will you find BD? अब प्रॉब्लम ये है, ये एक अलग से ट्रायंगल है, आपको दिख रहा है एक डिफरेंट ट्रायंगल है जो कि ऑब्ट्यूज ट्रायंगल ट्रायंगल के बाहर बना हुआ है। ये कौन सा ट्रायंगल है, कैसी शेप है इस ट्रायंगल की? राइट राइट एंगल एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल। हाउ विल यू फाइंड बीडी? इसको अलग से देखो इस ट्रायंगल को, क्या आप बीडी निकाल सकते हो इसमें? मैम यस यस। हाउ? विद द पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। यस, राइट डाउन बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम या फिर पाइथागोरस आपका स्टेटमेंट जो भी आप यूज करते हो, यू नो इट, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू बीडी स्क्वायर प्लस डीसी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम हमने लगाई है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। किस किस को याद है पाइथागोरस थ्योरम? रेज योर हैंड। वेरी गुड, वेरी गुड। अप्लाई करो इसको, जो जो वैल्यू आपको पता है राइट डाउन। दिस इज 5 स्क्वायर, बी डी वी डोंट नो, डी सी वी नो इट इज 4 स्क्वायर, दिस इज 25, दिस इज 16, फाइंड आउट बी डी स्क्वायर। 25 माइनस 16, फाइंड आउट बी डी स्क्वायर एंड देन बी डी। कैलकुलेट, वेरी गुड। पेन आपका रुकना नहीं चाहिए, बहुत इजी कैलकुलेशन है, यू हैव डन इट ऑलरेडी। पाइथागोरस थ्योरम की हुई है, ट्रायंगल के चैप्टर में की थी आपने। व्हाट इट शुड बी 25 माइनस 16? स्टूडेंट्स, आपका आज शाम को टेस्ट है ऑनलाइन ऐप में, तो 6 o'clock का आपका टाइम है। मैथ्स और साइंस जो भी आज पढ़ाया है तो उसके 5 5 MCQs होंगे। यू हैव टू अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस। सो 6 PM इज फाइन फॉर यू? एवरीवन रेज योर हैंड इफ 6 PM इज फाइन फॉर यू। रेज योर हैंड। ओके, सो प्लीज अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस, ठीक है? जो मैम पढ़ा रहे हैं और जो मैंने आपको पढ़ाया उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे, ठीक है? ओके okay. सो व्हाट इज कमिंग बीडी, प्लीज टेल मी। बीडी इज इक्वल टू 9 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। एवरीबडी नोज 9 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, तो बीडी क्या आ रहा है आपके पास? 3 सेंटीमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिल चुकी है, बीडी इज 3 सेंटीमीटर। अभी आपका आंसर निकलने वाला है, यू कैन कैलकुलेट सी डी नाउ। आपको जो चाहिए था नाउ ए बी की वैल्यू आप निकाल सकते हो, 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ए बी की आपके पास वैल्यू आ चुकी है, नाउ फाइंड द एरिया। किसी को डाउट है अभी खड़े होके पूछ लो। एरिया, फॉर्मूला ऑलरेडी लिखा हुआ है आपने, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। अब आपको सारी वैल्यूज पता चल चुकी हैं। ए बी आपके पास 7 है, सी डी आपके पास 4 है, ऑलरेडी गिया गिवन था वो। व्हाट इज कमिंग? यस, कई बच्चे एक दूसरे की कॉपी में देख रहे हैं, दैट इज रॉन्ग। यस, ए सेक्शन नियर द विंडो। यस दिस साइड, यस दैट बॉय इज सिटिंग। यस बता दो बेटा। यस आज जो बच्चा खड़ा हुआ था। यस हाँ जी, सेंटीमीटर स्क्वायर।
व्हाट इज दैट? दोबारा बोलो. 14, इज इट 14? आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है. ओके गुड. 14 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया. 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, वेरी गुड. बी ऑप्शन आ रही है आपकी, इसको टिक मार्क कर लो. एंड प्लीज मैच इट, जिन बच्चों ने ऑलरेडी किया हुआ था. और आई केम टू नो कि आपने बेस को रॉन्ग यूज किया था, तो इसलिए प्लीज इसको ध्यान से करना. ऑप्टियूज एंगल ट्राइंगल में हम बेस को, ओरिजिनल ट्राइंगल ऑप्टियूज एंगल का बेस लेते हैं हमेशा, पूरे ट्राइंगल का नहीं लेना. ओके, थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. फिगर इज ड्रॉन, ABCD इज अ पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम की फिगर आपके साथ होनी चाहिए सो दैट वी कैन इजिली सी कि आपका परपेंडिकुलर कौन सा है इसमें, जिसको हम ऑल्टीट्यूड बोलते हैं. ठीक है, नेम लिखो इसका. ए बी सी डी ऑल्टीट्यूड है आपके पास. यहाँ पे एक, यहाँ पे एम है ऑल्टीट्यूड, राइट? एंड यहाँ पे आपके पास डी एल है. जो ऑल्टीट्यूड है वो आपके पास डॉटेड लाइन से ड्रॉ किए हुए हैं. किस किस बच्चे ने ये क्वेश्चन किया है ऑलरेडी? ये आपकी बुक का क्वेश्चन था, बुक में भी ऐसे क्वेश्चंस हैं आपके पास. यस गुड, वी आर गोइंग टू डू इट क्विकली क्योंकि कई बच्चों ने किया नहीं है. आई कैन सी ए बी इज गिवन टू यू. हम ये डायग्राम में लिखेंगे सारे आंसर्स जो जो गिवन है हमें. डायमेंशंस, ए बी इज गिवन टू यू 18 सेंटीमीटर. बी सी इज गिवन टू यू 12 सेंटीमीटर. डी एम इज गिवन टू यू 10 सेंटीमीटर. एक हाइट आपको दी हुई है, दूसरी हाइट आपको निकालनी है. डी एल वी हैव टू फाइंड आउट, डी एल वी हैव टू फाइंड आउट. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एवरी टाइम सच क्वेश्चन कम जिसमें टू हाइट्स और टू बेस दिया होते हैं आपको क्वेश्चन में. ओके हु इज कमिंग टू टेल मी हाउ टू डू? डोंट टेल मी आंसर, टेल मी द मेथड हाउ टू डू. सी सेक्शन, सी सेक्शन अच्छा अपने आप आ जाओ. एनीबडी Who wants to tell me how to do such question? Anyone, जिसने किया है आ जाओ और बता दो मेरे को कि मेथड क्या लगाना है इसमें. और जो बच्चे ट्राई कर रहे हैं अभी, दे कैन कीप डूइंग. अच्छा अच्छा वेरी गुड, बी कॉन्फिडेंट. रॉन्ग होगा तो कोई बात नहीं, वी आर डूइंग इट हेयर. अच्छा बी सेक्शन, हाँ बी सेक्शन. सी से कोई नहीं आ रहा है ना, बी से. यस आई कैन सी वन हैंड. यस आ जाओ बेटा पीछे से, दैट गर्ल इज कमिंग. बेटा उसको भेजो. टेल मी द मेथड हाउ टू थिंक, हाउ टू गो, हाउ टू स्टार्ट. मैम, फर्स्टली वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम बाय यूजिंग विच बेस एंड विच हाइट, वो भी वेरी बाय टेकिंग बीसी एज बेस एंड डीएम एज द एल्टीट्यूड. गुड, वेरी गुड. देन देन वील गेट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड टेकिंग एबी एज बेस, डीएल एज हाइट एंड एरिया वट एवर वील गेट एंड बाय ट्रांसपोजिशनिंग मेथड वी विल फाइंड द हाइट डीएल. यस वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. ये आपके पास 120 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ गया है. 120, ठीक है. अब इसको आप यूज करो दूसरी हाइट और दूसरे बेस के लिए. ठीक है बेटा, स्टार्ट डूइंग. अभी अभी उसने बहुत नाइसली बताया, पूरा एक्सप्लेन किया. वेरी गुड, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपके पास आ चुके हैं 120. प्लीज राइट द यूनिट ऑल्सो, सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज 120 सेंटीमीटर स्क्वायर. राइट डाउन, कीप डूइंग. सबको पता चल चुका है क्या हो रहा है.
हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया. व्हाट नेक्स्ट? डीएल के लिए फिर से आपको यूज करना है इसको, सेम एरिया को. किसका आंसर आ गया? रेज योर हैंड जिन्होंने अभी अभी निकाला है. वेरी गुड, वेरी गुड. दिस इज सी ऑप्शन. इज इट सी ऑप्शन? यस सर. यस, वेरी गुड. आंसर थोड़ा सा इसका स्ट्रेंज आ रहा है ना, फ्रैक्शन में आ रहा है. तो कोई बात नहीं, हमने अपना मेथड लगाया. यू नीड नॉट वरी आंसर किस फॉर्म में आता है. कई बच्चों ने डेसिमल, अगर आपको ऑप्शंस नहीं दिए हो तो डेसिमल फॉर्म में भी आप आंसर निकाल सकते हो, क्योंकि सेम क्वेश्चन के एग्जाम में इन सब्जेक्टिव फॉर्म ऑल्सो, तो आपको जैसे ही वहां पे कैलकुलेशन हो रही है तो उसको डिवाइड करके यू कैन फाइंड आंसर इन डेसिमल फॉर्म. अगर ऑप्शंस दी हुई है तो उसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख के उसका आंसर मैच कर लो. किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में, यू कैन स्टैंड एंड आस्क. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. डोंट गेट शाई, आपने क्लास में भी ऐसे क्वेश्चंस किए हुए हैं, अभी दोबारा हम कर रहे हैं. हॉलीडेज में भी आपने ट्राई किया होगा, क्योंकि वर्कशीट आपको मिली हुई थी. किसी को डाउट है तो अभी खड़े होकर पूछ लो. ओके ओके, लेट अस डू नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन. थर्ड की आपकी सी ऑप्शन है. किसी को डाउट है अभी खड़े होकर पूछ लो. दिस इज 6 2 बाय 3 सेंटीमीटर. फोर्थ क्वेश्चन, ग्रास इज टू बी लेड इन अ रेक्टेंगुलर प्लॉट 15 मीटर लॉन्ग एंड 13 मीटर वाइड. इन क्वेश्चंस में जैसे ही हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, साथ के साथ हम फिगर ड्रॉ करेंगे, बिकॉज वी वॉन्ट टू नो कि हम किस फिगर का फॉर्मूला लगाएं. वी आर टॉकिंग अबाउट रेक्टेंगल हियर. इसमें लेंथ और ब्रेथ आपको दी हुई है. दिस इज 15 मीटर एंड दिस इज 13 मीटर. आपको पता है वाइड का मतलब वो साइड पे आएगा. जिनको ये क्वेश्चन इजी लगा रेज योर हैंड. Who found this question as easy? Okay, only only few children are there. We are doing this question. ठीक है, rectangular plot आपको दिया हुआ है. Leaving two triangular sections at opposite edges for two flower beds. Two triangular regions आपको दिए हुए हैं, triangular areas जो हमने यहाँ पे opposite edges पे, ये opposite हैं एक दूसरे के. तो हेयर वी हैव टू पुट फ्लावर्स टू ट्राइंगुलर एरियाज में. यहाँ पे आपको फ्लावर्स लगाने हैं. ओके, इफ द फ्लावर बेड्स आर टू बी इक्वल राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल्स. जो आपने ट्राइंगल बनाए हैं साइडों पे, वो क्या है? आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैं. उनकी दो साइड्स आपस में मिलती हैं और ये राइट भी हैं, राइट एंगल्ड, 90 डिग्री एंगल उनके बीच में बन रहा है. यू कैन डू द मार्किंग राइट. मेजरिंग 1.5 ईच, हर एक की जो साइड है वो 1.5 सेंटीमीटर है. 1.5 हियर, 1.5 हियर. अगर हम दो ट्राइंगल अलग से ड्रॉ करें, एक यहां पे ऊपर बन रहा है, एक यहां पे नीचे बन रहा है, जो मैं यहां पे बना रही हूं, दोनों की साइड है 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 हेयर ऑल्सो 1.5, 1.5, रिमेंबर इट. और दोनों ही आइसोसेलेस ट्राइंगल हैं, साइड्स उनकी आपस में इक्वल हैं. हाउ मच वुड इट कॉस्ट टू ले ग्रास एट ₹8 पर स्क्वायर मीटर. यहां पे हमने ग्रास लगानी है, जो मिडल वाला एरिया है यहाँ पे आपका ग्रास लगेगी. सेंटर में जो आपको दिख रहा है, तो सबसे पहले हमें एरिया ऑफ, रेक्टेंगल निकालना पड़ेगा. इसमें
ठीक है, दैट इज फॉर्मूला क्या होता है इसका, एल इंटू बी सबको पता है, बहुत बार यूज किया आपने, सिक्स में भी यूज किया था। यू नो एल इज गिवन टू यू 15, ब्रेथ इज गिवन टू यू 13, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकलेगा आपका सबसे पहले, फाइंड इट, मल्टीप्लाई करो इसको। ओके गुड, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल भी निकालो जिन्होंने कर लिए है। दिस इज कमिंग आउट टू बी 195 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके 195 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके नाउ वी आर फाइंडिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, उसका नाम भी लिख लो, राइट एंगल ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट सबको पता है, बहुत बार यूज किया आपने, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, ये आपका पुराना फॉर्मूला है। इसमें आपके पास कौन सा बेस है और कौन सी हाइट है, टेल मी। हाँ जी बेटे, बी सेक्शन। मैम बेस इज 15 मीटर, नो बच्चे, वी आर टॉकिंग अबाउट ट्राइंगल नाउ, मैम बेस इज 1.5, 1.5, यस, एंड हाइट इज मैम 1.5। 1.5। दोबारा से, बिकॉज दे आर आइसोसेलेस, वेरी गुड, सिट डाउन। वन पॉइंट फाइव इंटू 1.5, जैसे ही डेसिमल आपके पास आता है क्विकली पहले इसको डेसिमल को रिमूव कर दो, यू नो स्केरी होता है डेसिमल पॉइंट, डेसिमल इज ऑलवेज स्केरी व्हाइल कैलकुलेशन, आपकी मिस्टेक हो सकती है, उसको हमने खत्म कर दिया। ठीक है, क्विकली इसकी वैल्यू निकाल लो, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल की, फ्रैक्शन की फॉर्म में चाहे निकालो चाहे अदरवाइज निकाल लो। यस यू कैन राइट इट हियर एज एरिया ऑफ ट्रू राइट एंगल ट्राइंगल्स, क्योंकि हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं इसमें, तो हमने इसको टू से मल्टीप्लाई करना है, टू इंटू 1/2 इंटू 15/10 इंटू 15/10। अपने आप ये कैलकुलेशन अपने आप करो, कैलकुलेशन यू शुड नॉट कॉपी फ्रॉम द बोर्ड। वांट टू बी गुड इन मैथमेटिक्स, अपनी कैलकुलेशन खुद करो, जो कटता है उसको काटो। वेरी गुड रेशो, हाँ जी उसने कर लिया है। एरिया ऑफ बोथ द ट्राइंगल्स, एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स क्या आ रहा है? एंगल वेरी गुड, आई एम वेटिंग फॉर यू, वेरी गुड। एक दो बच्चों ने जो ऑलरेडी किया हुआ है हाथ नीचे करो, आई एम वेटिंग फॉर अदर्स ऑल्सो, सबको करने दो। गुड, प्लीज रिमेम्बर ये आपका मीटर में है पूरा का पूरा आंसर, तो आपकी मीटर की यूनिट होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, सारी की सारी आपकी मीटर की यूनिट आएगी, नीचे भी जो करोगे इट शुड बी मीटर स्क्वायर, और अभी भी जो आपका ट्राइंगल का एरिया निकलेगा वो भी मीटर में आएगा। इज इट कमिंग आउट टू बी 2.25 मीटर स्क्वायर? यस यस यस, एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स आपके पास आ गया, एरिया ऑफ बड़ा वाला रेक्टेंगल भी आ गया। अब क्या रह गया हमारे पास करने के लिए, व्हाट टू डू? सी सेक्शन, आई वांट टू हियर फ्रॉम सी सेक्शन। एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी निकल गया, एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स भी निकल गया, अब क्या करना है?
सी सेक्शन। ठीक आई एम गेटिंग लॉट ऑफ रिस्पॉन्सेज फ्रॉम बी एंड ए, नोबडी हैज टोल्ड मी फ्रॉम सी। बाइक के पास है सी में, फर्स्ट बेंच। क्या चीज निकालना है अभी हमने? बाकी सारा कुछ हो गया, हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया, एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स भी आ गया। अभी हमने जहां पे ग्रास लगानी है वो एरिया निकालना है। वो एरिया कैसे आएगा, ये बीच वाला एरिया कैसे आएगा ग्रास वाला? वेरी वेरी गुड, द ब्रेव चाइल्ड इज कमिंग फॉरवर्ड फ्रॉम मैम, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट द एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स फ्रॉम एरिया ऑफ टोटल रेक्टेंगल। ग्रास। वेरी गुड वेरी गुड। आपने किया है इसको, कॉपी में सॉल्व किया हुआ? अच्छा मैम नो, ठीक है, वेरी गुड, आपने बिल्कुल ठीक बताया, गो एंड डू इट, वेरी गुड। आई एम जस्ट क्लीनिंग इट। एरिया ऑफ लैंड वेयर ग्रास इज टू बी लेड, शॉर्ट फॉर्म में अगर आप लिखना चाहते हो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड लैंड। रिक्वायर्ड लैंड आपको पता है अभी हम जो रिमेनिंग लैंड है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, टोटल एरिया आपके पास आ रहा था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपके पास आया था 195 माइनस 2.25, पूरे में से हमने इसको माइनस करना है। ठीक है, तो माइनस करके आपके पास जो आएगा उसकी हमने फिर कॉस्ट निकालनी है, 192.75 मीटर स्क्वायर, दिस इज द एरिया राइट। नाउ राइट डाउन कॉस्ट, अगर आपने यूनिटरी मेथड से करना तो यूनिटरी मेथड लगा के कर सकते हो कि आपको गिवन था कि 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट ऑफ लेइंग ग्रास एट 1 मीटर स्क्वायर एरिया इज इक्वल टू रुपीज, आपको दिया हुआ था 8। यूनिटरी मेथड लगाना है तो यू कैन डू इन दिस वे ऑल्सो, ए कॉस्ट ऑफ लेइंग ग्रास एट 192.75 मीटर स्क्वायर एरिया इज इक्वल टू 8 × 192.75। ठीक है, अगर आपको डायरेक्टली निकालना है कॉस्ट तो डायरेक्टली भी निकाल सकते हो मल्टीप्लाई करके, जिन बच्चों को पहले ऐसे लिखना है कि 1 की इतनी है और उसकी कितनी होगी तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। ठीक है, प्लीज मल्टीप्लाई करो, इसको डेसिमल नंबर है। डन, विच इज ऑप्शन सी रुपीज 1542, दिस इज करेक्ट ऑप्शन, दिस इज फाइनल आंसर। आपके फोर फोर मार्क्स की क्वेश्चंस हैं, पूरे पूरे अगर सब्जेक्टिव फॉर्म में आएंगे तो। ठीक है बेटा, ओके, क्वेश्चन नंबर 5 किस किसने किया था, रेज योर हैंड। गुड, आंसर बताओ इसका, क्वेश्चन नंबर 5 का क्या आंसर आ रहा था बेटा, जिन बच्चों ने किया है। ऑप्शन सी ऑप्शन, वेरी गुड। ऑल्टीट्यूड ऑफ पैरेललोग्राम आपके पास आ रहा है 8 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ए ओ आ रहा है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था बट थोड़ी सी जो डिफिकल्ट पार्ट था दैट आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू, कि इसमें जब हमने एरिया निकाला, ये आपके पास पैरेललोग्राम था, क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था, एक छोटी सी चीज जो है आपको ट्रबल कर रही होगी इसमें, कि जो आपके पास ये ट्रायंगल था नीचे वाला ए डी ओ राइट, इट वॉज इन अदर फॉर्म राइट, ये आपके पास ऐसे ट्रायंगल था आपके पास जिसमें मिड पॉइंट भी गिवन था, इट वॉज लाइक दिस। ठीक है,
ये जो आपको साइड दिया हुआ था ए डी ओ, इसका एरिया आपने कैसे निकाला? आई वॉन्ट टू नो दैट। वो थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट था इसमें, बाकी तो क्वेश्चन सिंपल था। डी ए ओ का एरिया कैसे निकाला? हु विल टेल मी? दिस वॉज परपेंडिकुलर, साइड दी हुई थी ट्रायंगल की। जिन बच्चों ने किया है, यस बेटी आ जाओ, वेरी गुड, सी सेक्शन, यस आई कैन सी दैट चाइल्ड। मैम पैरेललोग्राम के एरिया को फाइंड करना है हमें पहले। सबसे राइट, पहले हमारे पास बेस है, लेकिन हाइट की हमें कंडीशंस दी गई हैं। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। आपने हाइट निकाल ली इसमें, हाइट ऑफ पैरेललोग्राम निकाल लिया, ठीक है। वो आपने मेरे को बता दिया कि 8 सेंटीमीटर आ रहा है, अभी आंसर में भी आपने सी ऑप्शन में बताया। फिर क्या किया आपने? एरिया कैसे निकाला? ट्रायंगल का एरिया एडीओ का कैसे मैम निकाला? क्योंकि एक पैरेललोग्राम को चार इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड किया जा सकता है, तो हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को चार से डिवाइड करना है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को, मैम डिवाइडेड बाय 4। तो एरिया क्या आया था आपका पैरेललोग्राम का? 80 बेस इनटू यस हाइट, ठीक है, 10 यस इंटू आपका 80 आया, 80 को आपने 4 से डिवाइड किया। ओके, व्हाट इज द अदर वे? बैठो बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छे से बताया आपने, दिस इज परफेक्टली ऑल राइट, नो मिस्टेक। कोई और रीजन जिसने जिसने सॉल्व किया है? एनीबडी फ्रॉम ए सेक्शन, हाउ डिड यू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ओ? ओके, लिसन हियर, लिसन हियर एवरीबडी, लुक हियर। देखो बेटा, ये आपके पास एक पैरेललोग्राम है पूरा वाला, ठीक है। अब ये आपने जो इस ये ट्रायंगल है, इसकी अगर हाइट निकालोगे, हाइट इसकी यहाँ पे फॉल कर रही है, तो आपको दिख रहा है कि अगर मैं हाइट यहाँ पे ड्रॉ करूं ट्रायंगल की, तो ये हाइट इसके बराबर है कि नहीं है डीओ के बराबर? ठीक है, बाहर जो मैंने डी एम जो हाइट बनाई है, दैट इज द हाइट ऑफ पैरेललोग्राम, उसको यूज करो, ठीक है। आप यूज कर सकते हो एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ए ओ इज इक्वल टू हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। बेस क्या है आपके पास? डी ओ, और हाइट क्या है आपके पास जो अभी अभी आपने निकाली पैरेललोग्राम की हाइट? और डी ओ क्या चीज है आपके पास? डी ओ दे हैव टोल्ड कि वो डीसी का हाफ है, आपको फिगर में बताया हुआ है, क्वेश्चन में बताया है कि डी ओ जो है, ओ इज अ मिड पॉइंट ऑफ डीसी है, तो इसका मतलब वो उसका हाफ होगा। इसका मतलब ये एरिया पूरी की पूरी, ये आपके पास 10 थी, तो ये भी आपके पास 10 होगी, ठीक है, और हाफ जो होगी वो दैट विल बी 5, 5 into 8, इज इट फाइन? हाउ 5 हैज कम, हाउ 8 हैज कम, यू हैव कम टू नो, ठीक है। ये हाइट हमने खुद बनाई है ये वाली, बिकॉज दैट हाइट इज हाइट ऑफ पैरेललोग्राम, जो कि आपकी ट्राइंगल से भी मैच कर रही है। ओके, सो आंसर इज कमिंग 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्लीज रिवाइज कर लेना बेटा ये क्वेश्चंस, नेक्स्ट टाइम इसको फर्दर करेंगे, और डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैव बीन डन हियर। ओके बेटा, चलो सी यू नेक्स्ट टाइम।